हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में टॉपिक लेकर आए हैं हेयर स्ट्रेटनिंग, घर पे प्रेसिंग कैसे करें। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि घर पे प्रेसिंग इजीली कैसे कर सकते। पार्लर में जाते तो 300-400 से कम नहीं लगते, तो इजीली हम घर पे स्ट्रेटनिंग कैसे करें और बहुत इजी तरीके से मैं आपको आज ये बताऊंगी। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, शेयर किए एंड सब्सक्राइब। चलिए चलते वीडियो के अंदर। अभी अपने बालों को खोल लीजिए, अच्छे से कॉम कर लीजिए ना, कॉम कर लेना। वैसे मैंने कॉम कर रखा है। और पहले आप प्रेसिंग अगर कर रहे हो तो उसी दिन वॉश करना, क्योंकि बाल फ्रेश रहता है और स्कैल्प हमारे ऑयली रहता है तो फ्रेश लुक नहीं आता, चंपू सा लगता है। इसीलिए जब भी आप प्रेसिंग करो उससे पहले आप हेयर वॉश कर लेना, फ्रेश लुक आता है एकदम। हम अब इसको पार्टीशन कर लेंगे बालों को। हम वन साइड पार्टिंग करके इसको हम टक कर लेंगे, चूड़ा एक बना के क्लच लगा लेंगे। अभी हमने एक साइड बालों को क्लच कर लिया है, दूसरे बालों से पार्टीशन लेना है। ऐसे पतला को दिख रहा होगा, देखिए यहाँ से ऐसे बिल्कुल पतला लेना, तो प्रेसिंग अच्छे से बनता है। इसको भी लच्छर की मदद से टक कर लिया। अब जो हमने यहाँ बाल निकाला इसको कॉम कर लीजिए, इसको कॉम करके अच्छे से। और यहाँ से लेके और कानों को बिल्कुल बचा कर इसको अप एंड डाउन कॉम की मदद से इसको पकड़िए, दिख रहा होगा आपको। हम अच्छे से ऐसे एजिस में जब लेकर आते हो तो इसको अच्छे से पहले पुश करना 2-3 मिनट तक, क्योंकि एजिस में हमारे दो मुंह बाल ड्राइनेस वगैरह नीचे बालों में ही ज्यादा होता है। तो प्रेस करके हमें 2-3 मिनट तक पुल करना है इसको ऐसे। आपको प्रेसिंग से कर्ल्स कैसे करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। ये हमारा हो गया। अभी इसको हम पीछे रखेंगे, नेक्स्ट पार्टीशन को लेंगे। जितना पतले पतले लेयर निकालोगे उतना प्रेसिंग आपकी हफ्ते भर भी टिक सकता है। जब तक आप वॉश नहीं करोगे तब तक टिकेगा, बस टेक्निक होना चाहिए करने का। साथ के साथ हम जो पीछे बाल भी हो उसको भी, जैसे हमारा प्रेसिंग कंप्लीट हो जाता है साथ के साथ उसको भी स्ट्रेट कर लेना। सारे बालों में जैसे हम करेंगे लास्ट में ऐसे पीछे वाले बाल को भी लेकर स्ट्रेट कर, दिख रहा होगा आपको। बालों में अलग ही शाइन आ जाता है। अब ऐसे हम सारे बालों में कर लेंगे। इसको कान बचा के थोड़ा सा अपने आप से भी कान पकड़ लेना, थोड़ा अंदाजा रहता है बस, उस तरीके से आप कर लेना बिल्कुल इसको अच्छे से रूट से, दिख रहा होगा आपको। मैं कॉम यूज नहीं कर रही, मैं अपने हाथों की मदद से ही कर रही हूँ, मेरे को प्रैक्टिस है। तो आप घर पे करोगे तो कॉम जरूर लेना, बहुत हीट होता है बालों में।
हम पीछे वालों भी ले लेंगे। आई होप दिख रहा होगा आपको, ये देखिए। अभी मैं दोनों बालों का फर्क दिखाऊंगी पूरे कंप्लीट होने के बाद। थोड़ा टाइम लगता है, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि हमें पार्टीशन बिल्कुल पतले पतले लेने हैं बालों को। मोटे मोटे प्रेसिंग करोगे बालों में, वो टिकता नहीं है, जल्दी से वेव आ जाता है। अगर जितना पतला पतला लेयर से करोगे, आपका प्रेसिंग अच्छा टिकता है, 2-4 दिन आराम से चलता है। प्रेसिंग करने के ऊपर है किस तरीके से आप प्रेसिंग कर रहे हो। मैंने देखो यहाँ पतले पतले लिए बिल्कुल बाल। पीछे के बाल भी ले लेंगे। देखिए शाइन आ रहा है। ऐसे सारों बाल कर लेते हैं। ये देखिए लेयर इक्वल होना चाहिए बिल्कुल। बहुत इजी है, एक दो बार आप वीडियो अच्छे से देखोगे तो समझ आ जाएगा किस तरीके से करना है, अपने आप कर सकते हैं। मुझे तो स्ट्रेट बाल बहुत पसंद है, मैंने रिबॉन्डिंग 2-3 बार करवा लिया है और केराटिन ट्रीटमेंट भी बहुत करवाया है। बार बार केमिकल भी बालों के लिए अच्छा नहीं होता। प्रेसिंग कहीं हमें जाना हो तब हम कर सकते हैं। आजकल ये कोविड की वजह से कोई घर से बाहर ही नहीं निकलना, ना कहीं जाना होता है। कान के पास बहुत छोटे 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 बाल होते हैं, उसको तो पहले करना। आगे जो छोटे छोटे बाल बहुत गंदे लगते हैं, उसको हल्का खींच लीजिए स्किन बचाकर। ये पीछे के बाल पूरे हो गए तो हमें उसको पीछे कर लेंगे। अभी आगे के बाल को हम फ्रंट से लेंगे, सीधे सीधे ऐसे सीधे। हमने पहले ऐसे एंगल में लिया था, वो बैक के बाल है। फ्रंट के बाल हमेशा ऐसे सीधे एंगल में। अभी इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इवन कर लेना बालों को।
दिख रहा होगा आपको शायद। अभी हम इसको पीछे कर लेंगे। मैंने फ्रंट में कर लिया था, वो मैं दिखा नहीं पाई वीडियो, एक दिखा देती हूँ। इसको मैंने ऐसे डायरेक्शन में दी, थोड़ा फ्रंट पे करोगे तो पता चलेगा। वैसे तो मेरे कर्ली बाल हैं, अलग से पता ही चल जाता है। दिखा आपको, हल्के से करना नहीं तो बाल खींचते हैं। अब इसको फ्रंट पे ज्यादा मत करना, क्योंकि हमें यहाँ पर बाउंस चाहिए होता है, तो हमें ये पूरा बैक करके देंगे। इसीलिए पहले हल्का हल्का कर लेना, नहीं तो फ्लैट लुक आएगा। फ्रंट से करोगे तो फ्लैट लुक आएगा, तो हमें यहाँ बाउंस चाहिए। तो हम इसको एक बार बैक से भी करेंगे, पहले पूरा कंप्लीट हो जाए। चुपचाप अपना वीडियो ही बना लू। देखिए वन साइड हो गए, मैं अभी डिफरेंस दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल कर्ल। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बाल स्ट्रेट रहते हैं तो कोई हेयर स्टाइल की जरूरत ही नहीं है। ऐसे क्लच लगा के कहीं भी चले जाओ, ऐसे साइड पार्टिंग करके निकल लो। ऐसे कर्ली बालों में कॉम करो, उसको हेयर स्टाइल सोचो या जूड़ा करो। मैं तो मोस्टली जूड़ा करके ही निकल लेती हूँ। चलिए हम अब इस साइड का भी कंप्लीट करके फिर मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगी। हमारे दोनों साइड बाल हो चुके हैं कंप्लीट स्ट्रेटनिंग। देखिए मैं आपको अभी पूरी दिखाती हूँ। ये देखिए थोड़े लेंथ भी बढ़ जाते हैं प्रेसिंग से। जो लोग सोचते हैं हमारे छोटे बाल हैं, वो प्रेसिंग करके बाल लंबा कर लीजिए इंस्टेंट। देखिए कटिंग कितना अच्छे फील करा रहा है। आपको और एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पर बहुत कम बाल होते हैं, थिन बाल होते हैं लोगों के, उनको यहाँ पर बाउंस चाहिए होता है,
मोस्टली लोग प्रेसिंग नहीं करवाते वो लोग, क्योंकि बोलते हैं फ्लैट लुक लगता है। तो उनके लिए मैं अभी एक ट्रिक बताती हूँ। यहाँ से एक लेयर निकाल लीजिए, यहाँ आपको बाउंस मिल जाएगा बालों में, और यहाँ से भी जैसे हम तीनों साइड से इक्वल बाल निकाल लेंगे। बॉक्स एरिया जिसको हम यहाँ फ्रंट्स बोलते हैं, बॉक्स एरिया, तो ये बॉक्स एरिया पूरा बाल निकाल लीजिए, पीछे भी देख लीजिए। तो अब हम इसको करेंगे बैक साइड प्रेसिंग वन बाय वन। को पकड़ने के लिए चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। यहाँ से ये बाल फ्रंट पे ऐसे आप छोड़ दीजिए, आपको दिख रहा है पीछे से बाल। अब हम इसको वन टू थ्री इसको ऐसे बैक साइड लेकर जाना है, आपको दिख रहा है ऐसे रोल करके ले जाना है। इसको भी ऐसे कर दे, दिख रहा है आपको ऐसे, या ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हैं। पूरा ऐसे ले जाओगे तो अच्छे से बाउंस आएगा। जैसे बाल को थोड़ा यहाँ रख के इसको ऐसे फ्रंट से लेके फिर बैक, ये देखिए ऐसे ही सारे बालों को कर लेंगे। ऐसे पुश किया, ऐसे किया के ऐसे 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 करके ऐसे करोगे आपके जो फ्रंट के जो कटिंग है ना मस्त आएंगे ऐसे। ये देखो ऐसे देखो बाउंस, ऐसे आपके अच्छे से बाउंस आएंगे। देख रहे हो आप ये पूरे बाल यहाँ से यहाँ तक बाउंस। फ्रंट के बालों में हमेशा ऐसे पीछे की तरफ से पुश करके करोगे तो आपके बालों में बाउंस अच्छे से आएंगे। देखिए अभी हम बैंड ब्रश की मदद से इसको ब्रश कर लेंगे। जब भी प्रेसिंग आप करोगे तो ब्रांड ब्रश से करना, क्योंकि वो मेंटेन रहता है अच्छे से। अभी हम इसको बैक कर लेंगे। स्ट्रेट बालों के लिए हमेशा बैंड ब्रश ही यूज करना है। ये देखिए कितने अच्छे वेव्स आ रहे हैं बालों में। एक बार ब्रश कर लोगे तो स्ट्रेट हो जाएंगे इसको अच्छे से। ब्रश कर लीजिए, चाहो तो आप सीरम भी लगा सकते हो नीचे नीचे बालों में, प्रेसिंग से पहले भी लगा सकते हो, प्रेसिंग के बाद भी थोड़ा शाइन आ जाता है। ज्यादा नहीं, वन टू ड्रॉप लगाना बस, उससे क्या और शाइन आएंगे बालों में। एक बार पीछे से भी दिखा देती हूँ आपको, देखना आपको पीछे से।
आप अच्छे से इसको ब्रश कर लीजिए ऐसे बैक से। अच्छे से कर दिया भाई, अच्छे से कर दिया। बैक इसको बैक करके इसको छोड़ोगे साइड बटन, ये देखिए बाउंस बालों में देखिए अच्छा है। ये देखिए इसकी फिनिशिंग देखिए कितना अच्छा है। आपकी ये कटिंग जो रखे होते हैं वो खिल कर आते हैं। हमने देखा घर में स्ट्रेटनिंग कैसे करते हैं, तो इस तरीके से आप ट्रिक से आप घर में प्रेसिंग कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक बात, अगर आप स्ट्रेटनिंग कर रहे हो तो कान के पीछे बाल मत, अभी बालों में हीट होता है, तो आप जिस तरीके से आप करोगे जैसे क्लच लगा लोगे अभी एकदम से बाल कान के पीछे कर लोगे तो उसका बल आ जाता है। ये जो स्ट्रेट किया ना हमने यहाँ पर, अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ पर बल आ जाता है। तो जब हमने प्रेसिंग करा तो 10-15 मिनट तक इसको छोड़ दीजिए खुले, क्लच वगैरह कुछ मत करना, नॉर्मल ऐसे छोड़ दीजिए। बाद में आप एक आधा घंटे बाद आप क्लच वगैरह यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्ते।